किसी भी पाठशाला में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जहां उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है और जहां अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे शिक्षित होते हैं। किंतु वर्तमान समय में शिक्षा के इस मंदिर की तस्वीर बदल चुकी है। हम बात कर रहे हैं इस शिक्षा मंदिर की, जिसकी बदलती तस्वीर आपके सामने है। वीडियो में आप देख रहे हैं, ये देश का जाना माना विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। बीते दिनों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने अनीश बंसल नाम के एक छात्र को बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद अनीश के परिजनों का आरोप है कि 10 दिन बाद भी न पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, न ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के VC कोई जवाबदेही है। चलिए आपको दिखाते हैं दुखियारे माता पिता के आंसू क्या कहते हैं। पुलिस तो बस जब भी उनसे बात करते हैं, ये कहते हैं हम उत्तराखंड गए, देहरादून गए, पंचकूला गए और उधर एक दो जगह और गए जहाँ भी उनकी लोकेशन मिली है। जब जाते हैं तो वहाँ से और आगे निकल जाते हैं। बच्चे चालाक हैं ज़्यादा, बच्चे जो है मोबाइल यूज नहीं कर रहे, वह इस तरह की बातें करते हैं वो। क्या मांग है आपकी? क्या मांग तो यही है जी हमारे भाई, एक तो वो सभी पकड़े जाएं जो भी दोषी हैं इसके अंदर, और एक जो है हमें इसका पूरा न्याय मिले, उनके खिलाफ जो है जो भी है सख्त कार्रवाई की जाए, जो जितने भी हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। अब सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं, क्या अनीश के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी या फिर अनीश के हत्यारे आजाद घूमते रहेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।